प्यारे मित्रों, हम बेसिक गणित का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें आज पांचवा मतलब नेक्स्ट वीडियो है आपका। और हम आज बात किए थे आपसे कि हम बात करेंगे आज अलजेब्रा मतलब बीज गणित। और बीज गणित स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीज गणित अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको जो पीछे वीडियो में जो पीछे बनाए हैं बेसिक वीडियो आप बनाए दिए हैं या जो वीडियो आपको मिला है आपको उसी को ध्यान में रखते हुए इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें जो प्लस और माइनस की दिक्कतें आपको हो रही हैं वह आपको जो बेसिक गणित आप पढ़े हैं जो बेसिक पहले दूसरे वीडियो में आप पढ़े हैं प्लस माइनस का किस तरह से तुलना किस तरह से बनाना है प्लस माइनस के साथ किस तरह से जोड़ना और घटाना है उसी को इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पहले तो मैं बताऊंगा कि अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा हम जब संख्या के जगह पर संख्या के स्थान पर हम अन्य संकेतों के द्वारा किसी बात को व्यक्त करें जैसे कि हम बात करेंगे कि कोई कहेगा कि आपके पास कुछ रुपए हैं। कुछ रुपए का मतलब हम मान लेते हैं कुछ के जगह पे हम मान लेते हैं कोई राशि। तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान का प्रयोग ना करते हुए हम कुछ ना कुछ अन्य संकेतों का प्रयोग कर लेते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी। तो अलजेब्रा का मतलब ही होता है तुम्हें मेरी बात को समझिएगा बेसिक चीज होगा। पहले होगा वेरिएबल यूज होता है चर राशि। तो वेरिएबल को मतलब कहते हैं ए टू जेड ए से जेड तक जो भी है जो भी संकेत होते हैं ए से लेकर जेड तक जो भी होते हैं उसको हम वेरिएबल या चर बोलते हैं। चर किसे कहते हैं ए से जेड तक जो भी संकेत हैं जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी स्मॉल अक्षर अच्छा हैं उन सबको हम वेरिएबल बोलते हैं। और उसके बाद होता है कॉन्स्टेंट होता है आपका उसको बोलते हैं अचर या होता है आपका कोई भी संख्या हो जाए संख्या कोई भी हो उसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ऐसा व्यंजक का मतलब होता है कुछ बना के आपको दे दिया जाए कुछ सामने दे दिया जाए कुछ लिख दिया जाए आपको या व्यंजक हो जाएगा ऐसा व्यंजक जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों उपस्थित हो उसे हम अलजेब्रा कहते हैं। जैसे एक्स है अगर हम एक्स में एक से गुणा करा दें तो एक्स प्राप्त ही होगा एक्स ही प्राप्त होगा। तो इसमें आपका वेरिएबल मतलब ए से लेकर जेड तक का एक्स है इसमें और कॉन्स्टेंट है अचर भी है। तो हमने बताया कि जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों का प्रयोग करें एक साथ उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो हम कहते हैं इसमें कि एक और परिभाषा आपको दे देते हैं वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट मतलब चार और अचर चार और अचर को गणितीय संक्रियाओं द्वारा
एक साथ दिखा दे, एक साथ दिखा दे, उसे बीजगणित कहते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। हम बोलते हैं कि वेरिएबल वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इस मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अगर दिखा दे उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। मेरी बात को साफ समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मैं अभी बात किया एक्स है, एक्स को हमने देखा कि इसमें आपका इसको एक्स बटा एक लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा वेरिएबल है, यह हमारा कांस्टेंट है, यह चर है और यह अचर है, और हमने चर और अचर को एक गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया है जो यह भार का चिन्ह है। तो भार के द्वारा दिखाया हमने इसको, तो इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ गया, और जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को हम गणित के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी के साथ दिखा दे उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, हमको उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। अगर मेरी बातें अच्छी तरह समझ नहीं आ रही होंगी आपको, अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें। एक बार और बता दें कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को प्लस माइनस जोड़ घटाना दोनों के साथ अगर किसी एक के साथ अगर दिखा दे उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। जैसे x प्लस वन ये भी अलजेब्रा हो गया, y हो गया आपका अलजेब्रा, y इनटू वन होता है कि नहीं, y बटा वन होता है कि नहीं, y बटा वन y होगा, कोई दिक्कत? ये हमारा अलजेब्रा, अलजेब्रा का यही दो परिभाषा था, ये दो डिफिनेशन था कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा दिखा देना ही अलजेब्रा कहलाता है। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आगे बात करते हैं आपसे। पहले बात करेंगे अलजेब्रा में ऐड के बारे में। फर्स्ट होगा आपका ऐड, मतलब जोड़ के बारे में बात करेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। जोड़ के बारे में पहले बात करूंगा। जोड़ घटाव बोल लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट घटाव, इसमें स्थिति यह होगी कि वेरिएबल की बात मैं करूं, जैसे मान लीजिए संख्या कांस्टेंट संख्या होता है तो संख्या में क्या करते हैं, चार और पांच को जोड़ लेते हैं नौ हो गया, तीन और दो को जोड़ेंगे पांच हो गया, संख्या को जोड़ेंगे तो संख्या जुड़ जाता है, संख्या को घटाएंगे संख्या घट जाता है। तो संख्या जुड़ता है संख्या घटता है, कुछ ना कुछ होता है, तो नया मान एक प्राप्त हो जाता है, संख्या जुड़ेगा तो एक नया मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर वेरिएबल को हम जोड़े तो वेरिएबल वेरिएबल जोड़ के वेरिएबल के ही रूप में कुछ प्राप्त होगा हमको, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। जैसे कि अगर हम 2 और 5 को ऐड करें तो 7 प्राप्त हो गया, लेकिन अगर 2x प्लस 5x जोड़े तो 7x प्राप्त होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वेरिएबल की बात करें, अगर वेरिएबल में अलग अलग वेरिएबल अगर आ जाए तो वह अगर जोड़ना होगा तो मान लीजिए एक a और एक b, मतलब a और b को जोड़ना है तो a प्लस b जोड़ देंगे, a प्लस b हो जाएगा। जैसे a को और b को, तो a को और b को जोड़ेंगे तो a प्लस b हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर a और a को जोड़ेंगे तो एक a और एक a 2a हो जाएगा। इससे यह पता चल रहा है कि जोड़ना या घटाना अगर होगा तो समान वेरिएबल मतलब समान चर में जुड़ेगा या घटेगा, अगर अलग अलग वेरिएबल या अलग अलग चर होगा उसमें अगर घटेगा तो माइनस का सिंबल लगा देंगे, अगर जुड़ेगा तो प्लस का सिंबल लगा देंगे।
मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बात कर लेता हूँ आपसे कि कैसे कैसे जुड़ेगा, और आप इंटीजर को दिमाग में बना कर रखेंगे, इंटीजर को ही दिमाग में बना कर रखेंगे, जैसे a प्लस टू ए प्लस थ्री ए प्लस टू ए प्लस थ्री। अब देखिए इसमें जोड़ना होगा तो फर्क हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 3a, तो a a एक जैसे है, हमने बताया अभी a है तो एक अलग से जुड़ेगा, तो जितना a है पर जोड़ देंगे, तीन दो पांच, पांच पांच दस ग्यारह, ग्यारह। मेरी बात तो समझ में आ रही होगी। एक नया उदाहरण लेते हैं, a b, a प्लस b प्लस माइनस टू ए माइनस थ्री बी, प्लस करते हैं प्लस प्लस थ्री बी प्लस टू बी। इसमें क्या करना है, देखिए हमने कहा कि जब जोड़ेंगे तो समान अचर को जोड़ेंगे, जैसे ए है तो ए के साथ जुड़ेगा, ए के साथ जुड़ेगा ठीक, और बी बी के साथ जुड़ेगा ठीक। तो एक ए दो ए तीन है और तीन थी छह, और बी तीन एक चार और चार और दो छह। मेरे बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वेरिएबल में समान समान वेरिएबल जुड़ता है और समान समान वेरिएबल घटता है। अगर अलग अलग वेरिएबल हो तो प्लस और माइनस के साथ हम अलग अलग जोड़ते हैं, मतलब अलग अलग ही रखते हैं उसको, जैसे कि ए बी के साथ नहीं जुड़ रख सकता, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर जुड़ना जोड़ना है तो प्लस के सिंबल के साथ जोड़ के रखेंगे, अगर घटाना हो तो माइनस के सिंबल के साथ जोड़ के घटा के रखेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, एक और एग्जाम्पल देते हैं। a प्लस टू ए माइनस थ्री बी माइनस फोर बी माइनस एट बी प्लस टू ए। मेरी बात को समझने का प्रयास करें, देखिए प्लस नहीं करेंगे, प्लस बता देंगे अभी, एक जोड़ी प्लस थ्री सी टू सी प्लस सी। देखिए जोड़ना है तो a जोड़ी एक ए दो तीन और तीन दो पांच, पांच प्लस बी को जोड़ेंगे तो तीन बी चार सात बी सात आठ पंद्रह बी पंद्रह प्लस पंद्रह। उसके बाद से अगला होगा सी, तो दो सी दिया और तीन सी या दो तीन पांच और पांच एक छह, छह सी, यही आपका आंसर होगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हमको उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बार बार देख करके समझने का प्रयास करेंगे। आगे मैं बात कर ले रहा हूं इसी में, एक बार और इंटीजर पे ही हम काम कर रहे हैं, इंटीजर के जैसे ही है, थ्री ए माइनस टू बी प्लस थ्री ए माइनस टू बी प्लस टू ए माइनस फाइव बी माइनस एट ए। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, अब ध्यान दीजिए इसको बनाने से पहले थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले हम ए को एक पास करेंगे, ए को तो ए को ये पास करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले ए को एक पास करेंगे वो भी प्लस वाला, देखिए थ्री ए प्लस है, थ्री ए प्लस है, टू ए प्लस है और एट ए माइनस है, तो हम क्या करेंगे प्लस तीन तीन छह दो आठ एट ए, और ए और बचा कहीं माइनस एट ए। मेरी बात समझ में आ रही होंगी, पहले प्लस वाले ए को हम ऐड करेंगे उसके बाद से माइनस वाले ए को लाएंगे, उसी तरह से पहले प्लस वाला बी, प्लस वाला बी, प्लस वाला बी इसमें नहीं है, सब माइनस ही है, तो माइनस को रख लेंगे, सब माइनस को छोड़ लेंगे। हम जानते हैं ना कि प्लस माइनस मान माइनस माइनस वाला सिंपल आएगा तो माइनस को छोड़ लेंगे, प्लस प्लस होगा तो प्लस को छोड़ लेंगे, तो हम क्या करेंगे माइनस माइनस क्यों है तो माइनस को छोड़ लेंगे, दो दो चार चार पांच नौ माइनस नौ। अब इसमें एट बी ए में से एट ए घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस नौ बी मतलब माइनस नौ। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, एक और क्वेश्चन देते हैं सब समझने का प्रयास करें। थ्री ए माइनस टू बी माइनस एट ए प्लस
टू बी प्लस थ्री ए माइनस थ्री सी माइनस टू सी प्लस टू सी माइनस टू बी। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, पहले एक करें, ए को प्लस तीन ए और तीन छह, फिर अब माइनस ए को लेंगे माइनस एट ए, अब क्या करेंगे बी, तो बी कहां है हमारा प्लस प्लस टू बी प्लस टू बी और माइनस टू का टू माइनस फोर बी। उसके बाद से हम क्या करेंगे सी, तो प्लस टू सी और माइनस थ्री सी। अब इसका काम कर ले, सिक्स ए प्लस है और एट ए माइनस है तो घटाएंगे तो माइनस टू ए बच जाएगा। हमने बताया था कि सिक्स और प्लस एट सिक्स माइनस एट रहे तो बड़े वाले छोटे वाले घटा देंगे दो बचेगा, अब बड़ा वाला का सिंबल लगा देंगे माइनस, उसी तरह हमने किया। फिर इसमें से हमने टू बी प्लस है और फोर बी माइनस है, इसमें से घटाएंगे तो टू बी बच जाएगा। उसी तरह से माइनस प्लस टू सी है माइनस थ्री सी है माइनस एक से बच जाएगा। मेरी बात की समझ में आपको आ रही होंगी, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ एच डब्ल्यू कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं और इस वीडियो को, इस अलजेब्रा के वीडियो को आप बार बार देखने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद है कि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। सेवन ए माइनस थ्री बी माइनस फोर सी प्लस फोर डी माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी माइनस फाइव सी माइनस फोर डी, एट एट ए माइनस थ्री बी माइनस एट सी माइनस थ्री बी माइनस फोर ए माइनस फोर डी माइनस फोर सी माइनस फोर डी, थ्री ए माइनस थ्री बी माइनस थ्री सी माइनस थ्री बी प्लस फोर ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी प्लस फोर डी। हमको उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे और वीडियो को देखते समय आप थोड़ा सा ध्यान देने के ध्यान दे करके मतलब दिमाग लगा के इस पर विचार करें और हमको उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आएंगी। यह गणित का जो सेशन है आपको अगले क्लास के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इसी नियम के तहत इसी चिन्हों का प्रयोग करके इसी प्लस माइनस का इसी इंटीजर का प्रयोग करके मैं आगे बातें समझाने वाला हूं या कोई भी गणित का क्वेश्चन सॉल्व होता है इन्हीं का प्रयोग होता है, इन्हीं सिंबल का इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है। और अगर कुछ कमियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं हमको। मेरी बातें समझ में आपको आ रही होंगी और मैं कल नेक्स्ट अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद।